दिन है और हम आज गारंटी नंबर 3 पर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो कांग्रेस की पार्टी की ओर से 3 गारंटियां इनके नेताओं ने घोषित की थी, 10 गारंटियां घोषित की थी, तो उसमें एक गारंटी ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा किलो, जबकि दूध जो है वो लीटर के हिसाब से होता है, इसलिए हमने इस पे किलो ही लिखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बात से हम दाएं बाएं नहीं जाना चाह रहे थे, गारंटी है, क्योंकि गारंटी उन्होंने दी है। अब आज हम इस बात को पूछने के लिए विधानसभा के यहाँ इस प्रांगण में हैं आप सबके समक्ष कि क्या हुआ किसानों के साथ उस वादे का, जहाँ कहा था कि हर परिवार से 10 लीटर दूध खरीदेंगे। एक तो हम पहले ही इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे थे कि वो हम स्पष्टीकरण चाह रहे थे कि 10 लीटर सब किसानों के पास नहीं होता है, कहा कि 10-10 लीटर खरीदेंगे और गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। एक साल बीत गया हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का, लेकिन अभी तक भी वो किसान जो दूध उत्पादक हैं, ना गाय का दूध का उनको 80 रुपये के हिसाब से रेट मिला, ना ही भैंस का उनको 100 रुपये के लीटर के हिसाब से पैसा मिला है। तो इसलिए उनके स्मरण में आज हम इस गारंटी को फिर से एक बार पुनः ला रहे हैं कि गारंटी आपने दी है, इस गारंटी को आप कब पूरा करने जा रहे हैं, ये आज हमने सब साथियों के साथ, सभी विधायकों के साथ यहाँ पर आकर के अपनी बात को जाहिर करने के लिए एक माध्यम बनाए हैं। देखिए, वादा तो क्या किया है, हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 30-32 रुपये लीटर से ज़्यादा कहीं भी दूध नहीं खरीदा जा रहा है, और उनने कहा है, अभी अनाउंस किया है एक साल पूरा होने पर, लेकिन कोई आदमी इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता, भरोसा ही जब उठ गया, झूठ बोलते बोलते इन्होंने अपनी हालत इस प्रकार से बना दी है, इस प्रकार से अपनी छवि बना दी है कि कोई आदमी विश्वास ही नहीं करता। और इसलिए हम उनको ये कह रहे हैं कि आप बताइए कब से आप खरीदेंगे, कहा कि हम जनवरी के महीने से खरीदने की शुरुआत करेंगे, और ख़ासतौर से एक ही बात कही है उनने कि शायद थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की, लेकिन गारंटी में तो आपने 80 रुपये लीटर और 100 रुपये लीटर की बात कही है, तो उस गारंटी को पूरा करें, यही हमारा कहना है। थैंक यू, ओके।